कलर के दो शेड्स का, दो टोन्स का, या एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, जैसे कि ब्लैक और व्हाइट। हमारे पास में ग्रेडियंट की टाइप्स भी हैं। शेप सेलेक्ट है, अप्लाई द ग्रेडियंट एंड देन टाइप। जो पहली टाइप हमने देखी वो थी लीनियर ग्रेडियंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेडियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट अप्लाई होगा रेडियल शेप के अंदर, व्हाइट इनसाइड है, ब्लैक आउटसाइड है। आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं, यू कैन इजीली ड्रैग द कलर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब ब्लैक इनसाइड है और व्हाइट आउटसाइड है, परसेंटेज का मामला उसी तरह से है और कंट्रोलिंग सारी सारी आपके पास मौजूद है। जैसे लीनियर में हमने ग्रेडियंट टूल की फंक्शनैलिटी को देखा, अब हम रेडियल में ग्रेडियंट टूल की फंक्शनैलिटी को जो है वो एक्सेस करते हैं। ग्रेडियंट टूल लिया, अब एक सर्कुलर शेप आपके पास है जो व्हाइट और ब्लैक को इस वक्त में टारगेट किए हुए है। आप सर्कल को इनलार्ज करना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रिप मौजूद है, स्मॉल करना चाह रहे हैं, ब्लैक की रेंज इंक्रीज होगी, व्हाइट की डिक्रीज होगी, व्हाइट की इंक्रीज होगी, ब्लैक की डिक्रीज होगी। रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेशन भी पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप है तो रोटेट होते हुए हमें कोई ज्यादा खास ग्राफिकल चेंजेस नजर नहीं आएंगी। हाँ, अगर हम इस शेप को डिफॉर्म कर देते हैं, लाइक हम इसको सर्कल से इक्लिप्स की तरफ ले जाते हैं, तो तब रोटेशन जो है वो हमें जरा ग्राफिकली चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये हमारे पास में रेडियल ग्रेडियंट मौजूद। इसी तरह एक टर्म हमारे पास में है फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट, यानी कि आप पिन अप्लाई करते हैं और उस पिन के अंदर जो है वो कलर्स किए जा सकते हैं। लाइक दिस पिन कैन बी चेंज टू ब्लू, दिस पिन कैन बी चेंज टू ग्रीन, दिस पिन गेट द रेड एंड द लास्ट वन विद द व्हाइट और शुड वी गो विद द येलो। तो फोर कलर्स जो हैं वो कॉर्नर्स में मौजूद हैं। पिन को ड्रैग करके उसको आप रीपोजिशन कर सकते हैं शेप के अंदर, उसकी रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं और रेडियस भी बढ़ा या कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसी तरह ओपेसिटी मौजूद है कि कितनी परसेंट से वो कलर जो है वो स्ट्राइक लेगा। बाय डिफॉल्ट जितनी भी हमने वैल्यूज प्लेस की हैं वो सब की सब 100% के साथ। थैंक यू।